राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में बीएससी कृषि की मांग को लेकर एबीवीपी कोटाबाग कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इससे पहले भी कई दिनों से ब्लॉक मुख्यालय कोटाबाग में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज फिर से दर्जनों एबीवीपी कार्यकर्ता ब्लॉक मुख्यालय कोटाबाग पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस मांग को लेकर जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाए। धरना प्रदर्शन में एबीवीपी कोटाबाग संघर्ष समिति के नेतृत्व में नवीन पांडे, चंद्र प्रकाश सनवाल, कमल बोहरा, कुलदीप तड़ियाल, ललित जोशी और विनोद जोशी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कालाढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। कोटाबाग में कृषि विषय की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहां पे एबीवीपी कार्यकर्ता एवं कोटाबाग संघर्ष समिति द्वारा चल रहा था। जैसा कि हमारी समिति के सदस्य और एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया था कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हमारे द्वारा 28 तारीख को ब्लॉक मुख्यालय में भूख हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और आज हमारी समिति के सदस्य और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और हमारी यह मांग है कि हमारी जो कृषि विषय को लेकर हम इतने दिनों से यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं उसकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमारी एक मांग थी कि कोटाबाग राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में कृषि बीएससी एजी जल्द से जल्द आप शासन और प्रशासन और उत्तराखंड की जो प्रदेश सरकार है वो जल्द से जल्द लागू करे, नहीं तो हमें भूख हड़ताल करने पर बाध्य ना करें। ये हमारे द्वारा और कोटाबाग संघर्ष समिति द्वारा इनको अस्वस्थ कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की अनदेखी, शासन प्रशासन की अनदेखी से हम लोग आज ब्लॉक मुख्यालय कोटाबाग में भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। और अगर जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं करी जाती है तो यही भूख हड़ताल एक बड़ा रूप लेने के लिए आतुर होगी, जिसमें हमारा पर्वतीय क्षेत्र और कोटाबाग क्षेत्र मिलकर इस भूख हड़ताल में डटा रहेगा।